एमआर न्यूज चैनल के एक्सक्लूसिव कंटेनमेंट बोर्ड के उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में आज असेंबली इलेक्शंस होने के मौके पर कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बीआरएस पार्टी की एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट लासा नंदिता ने कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी पोलिंग स्टेशंस का मुआयना करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ पोलिंग के ताल्लुक से पूछा और वोट डालने आई आवाम ने कई जगहों पर वोटिंग मशीन्स काम न करने की शिकायत भी की, जिसे लासा नंदिता ने रिटर्निंग ऑफिसर मधुकर नायक साहब से बात करके चेंज करवाया। आइए देखते हैं इसकी तफसीलात। आज 30 नवंबर असेंबली इलेक्शंस के वोट डालने का दिन होने के मौके पर बीआरएस पार्टी एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट लासा नंदिता ने कारखाना के गांधीयन स्कूल में जाकर अपना वोट कास्ट किया। कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ मधुकर नायक साहब ने बालमराई के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। एक्स वाइस प्रेसिडेंट सदाकिशव रेड्डी साहब ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपना वोट कास्ट किया। एक्स वाइस प्रेसिडेंट चंपाना प्रताप साहब ने भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर न्यू बोइनपल्ली सौजन्या कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में जाकर अपना वोट कास्ट किया। एक्स वाइस प्रेसिडेंट बानुका नर्मदा ने आज अपना वोट कास्ट किया वार्ड नंबर 6 के पोलिंग स्टेशन में। बोइनपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट के एक्स चेयरमैन टीएन श्रीनिवास ने भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपना वोट कास्ट किया। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर गुप्ता ने भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर तिरुमलगिरी के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है। ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए एमआर न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।